हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट थी बहुत दिनों से कि सर बेसिक इंग्लिश ग्रामर में कुछ वीडियोस बनाइए, तो इसलिए मैंने आज से एक नई सीरीज़ की शुरुआत की है जिसमें मैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स को मैं कवर करूँगा, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया या और भी बहुत सारे टॉपिक्स हो गए, मैं उसको इसमें देखूँगा। सबसे पहले मैं बात करूँगा इसमें लेटर्स की। जी हाँ, सुनने में आपको बहुत ऑड लग रहा होगा कि लेटर कौन नहीं जानता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों में हम बहुत सी चीज़ों को मिस कर जाते हैं, शायद इसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें आपको मिल जाए। तो चलिए देखते हैं। लेटर, लेटर को हिंदी में अक्षर बोलते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। भाषा की सबसे छोटी इकाई को अक्षर कहा जाता है। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं? तो 26 लेटर्स होते हैं। लेटर्स आर रिटन इन टू टू वेज। लेटर को कितने तरीके से लिखा जाता है? तो लेटर को दो तरीके से लिखा जाता है। पहला है कैपिटल लेटर, दूसरा है स्मॉल लेटर। ठीक है, हम जानते हैं इजी तरीके से। लेटर्स आर डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स। लेटर को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है वोवेल लेटर, दूसरा है कॉन्सोनेंट लेटर। ओके, अब देखिए वोवेल किसे कहते हैं? तो वोवेल अ लेटर विच प्रोनाउंसेस विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर लेटर इज कॉल्ड वोवेल। वह अक्षर जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे अक्षर की मदद से किया जाता है उसे हम वोवेल कहते हैं। वह अक्षर जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे अक्षर की मदद से किया जाता है, अर्थात वो अकेले अपना उच्चारण करता है, उसे हम वोवेल कहते हैं। जैसे मान लिया ए, ई, आई, ओ और यू को हम वोवेल लेटर कहते हैं। पता ही है हमको ए को, ई को, आई को, ओ को, यू को कहते हैं वोवेल लेटर। कि जिस शब्द के पहले ए, ई, आई, ओ और यू होता है उसके पहले हम क्या लगाते हैं? तो एन लगाते हैं, उसको हम वोवेल कहते हैं। जैसे मान लिया कि हम अम्ब्रेला लिखते हैं, यू एम बी आर ई डबल एल ए, अम्ब्रेला मतलब छाता। ठीक है, अम्ब्रेला के पहले क्या लगाते हैं? हम एन लगाते हैं। लेकिन अगर हम लिखेंगे यूनिफॉर्म, क्या लिखेंगे? यूनिफॉर्म, तो हम क्या लगाते हैं? यूनिफॉर्म के लिए हम ए लगाते हैं, एन नहीं लगाते हैं। उसी तरह यूनिवर्सिटी, क्या यूनिवर्सिटी के लिए क्या लगाते हैं? आ यूनिवर्सिटी, एन यूनिवर्सिटी नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर पता चला कि जिस शब्द के पहले ए, ई, आई और यू रहे उसके पहले एन लग पड़ेगा। अ लेटर विच प्रोनाउंसेस विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर लेटर इज कॉल्ड वोवेल लेटर। के वह अक्षर जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे अक्षर की मदद से होता है, अर्थात वो अकेले अपना उच्चारण करता है, उसे हम वोवेल लेटर कहते हैं। जैसे मान लिया अम्ब्रेला है, तो यू, ऐसे हम इसको क्या पढ़ते हैं? यू पढ़ते हैं, है ना। लेकिन यू का उच्चारण क्या होता है? अम्ब्रेला, यू अ अम्ब्रेला। यू अपना उच्चारण अकेले कर रहा है ओ का। यू अपना उच्चारण हिंदी के स्वर अ का अकेले कर रहा है। अम्ब्रेला में यू का उच्चारण अ से हो रहा है, अ अम्ब्रेला। ठीक है, उसी तरह ऑल है ना, ए अकेला अपना उच्चारण कर रहा है ऑल के लिए, अ अकर आ ऑल। उसी तरह ओ, ओवर। अब जैसे यहाँ देखते हैं कॉन्सोनेंट में, जैसे मान लिया बॉक्स लिखते हैं तो बी और ओ मिलकर के बॉक्स बनता है। बी अकेले अपना उच्चारण नहीं करता है बॉक्स, ठीक है ना। सी ए टी कैट के लिए सी और ए जब तक नहीं मिलेगा कै का उच्चारण नहीं हो सकता है। जी और ओ जब तक नहीं मिलेगा गुड नहीं हो सकता है। के और आई नहीं मिलेगा काई नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अ अपना उच्च, यू अपना उच्चारण अ कर रहा है अम्ब्रेला के लिए। उसी तरह ए अपना उच्चारण अ कर आ कर रहा है ऑल के लिए। ओ अपना उच्चारण ओवर कर रहा है ना, अगर ओ के लिए कर रहा है, किसके लिए? ओवर, ओ प्लस वी ई आर, ओ प्लस वर, ओवर, है ना। तो जिस शब्द का जो वह अक्षर जिसका उच्चारण अकेले हो, जिसको किसी दूसरे अक्षर की मदद की जरूरत नहीं पड़े, उसको हम लेटर वोवेल लेटर कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया ओवर। उसी तरह एलिफेंट, तो हम यहाँ ई और लीफेंट कर सकते हैं अलग अलग। तो ई जो है अपना उच्चारण ए के लिए अकेले कर रहा है, उसको किसी दूसरे अक्षर की मदद की जरूरत नहीं पड़ रही है यहाँ पर। ठीक है, उसी तरह इंक है, तो इंक आई है, वोवेल लेटर में क्या है? आई है। तो आई अपना उच्चारण ई के लिए अकेले कर रहा है, आई और एन मिलकर के ई नहीं बन रहा है बल्कि ई प्लस एन के इंक होता है। ठीक है ना, तो वह अक्षर जिसका उच्चारण अकेले होता है उसको किसी दूसरे अक्षर की मदद की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको हम वोवेल लेटर बोलते हैं। दूसरा क्या कहता है कॉन्सोनेंट में? अ लेटर विच प्रोनाउंसेस विच द हेल्प ऑफ वोवेल लेटर। वह अक्षर जिसका उच्चारण वोवेल लेटर की मदद से किया जाता है उसे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। जैसे बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी यू
सॉरी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड 21 होते हैं। 21 को किसी ना किसी वॉवल लेटर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी उसका उच्चारण करने के लिए, अकेले वो नहीं कर सकता है। बॉक्स के लिए बी के साथ वॉवल किसकी पड़ी, ओ की पड़ी, ठीक है ना। कैट के लिए सी के साथ वॉवल किसकी पड़ी, तो ए की पड़ी, है ना। गुड के लिए जी के साथ किसकी पड़ी, तो ओ की पड़ी। के साथ वॉवल लेटर किसकी पड़ी, तो आई की पड़ी। एल के साथ आई की, एम के साथ ए की। तो वह अक्षर जिसका उच्चारण किसी दूसरे वॉवल लेटर के साथ किया जाता है उसको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट, और वह अक्षर जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे अक्षर की मदद के होता है, वो अकेले होता है, तो उसको हम बोलते हैं वॉवल। मतलब ये हुआ कि हम अक्षर से नहीं समझेंगे कि कौन सा अक्षर के पहले ए लगेगा या एन लगेगा, बल्कि हम ये समझेंगे कि कहाँ पर उच्चारण हिंदी के स्वर के अक्षरों के जैसा हो रहा है वहाँ पर हम ए या एन डिफाइन करेंगे। जैसे मान लिया यूनिफॉर्म है, तो यू तो वॉवल है, लेकिन यू से पहले क्या लग रहा है, यहाँ पर ए लग रहा है, लेटर तो वॉवल है। उसी तरह हम लिखते हैं एच ओ यू आर आवर, ये क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन हम क्या लिखते हैं, एन आवर लिखते हैं, लिखते हैं ना, लेकिन एच साइलेंट है ये तो पता है, तो ओ का इसका उच्चारण क्या हो रहा है, आवर होता है, तो ओ का रा हो रहा है हिंदी के स्वर एक का हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वॉवल बोलते हैं। तो हम यहाँ पर उच्चारण पर डिफाइन करेंगे, यानी कि प्रोनाउंसिएशन पे, आवाज़ पे, साउंड पे, ध्वनि पे सोचेंगे, है ना। ध्वनि अगर हमारे हिंदी के अ आ ई ई स्वर मतलब के अक्षरों के जैसी मिलती हो तो वहाँ पर हम एन लगाएंगे, और अगर वहाँ पर व्यंजन अक्षरों की जैसी मिलती है वहाँ पर हम ए लगाते हैं, वहाँ पर डिफाइन करते हैं कहाँ पर ए लगेगा कहाँ पर एन लगेगा। बिल्कुल क्लियर है। सेमी वॉवल्स, वॉवल और कॉन्सोनेंट तो हम जाएंगे, लेकिन ये क्या है, सेमी वॉवल्स। W और Y को सेमी वॉवल कहते हैं, W एंड Y आर कॉल्ड सेमी वॉवल्स। व्हेन W एंड Y आर फर्स्ट लेटर ऑफ अ वर्ड दैट इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट, जब W को और Y जो है किसी भी वर्ड का पहला लेटर होता है, जब W और Y किसी भी वर्ड का पहला लेटर होता है तो उसे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। जैसे वाक में W क्या है, पहला लेटर है, वॉल में क्या है, W पहला लेटर है, वुड में, वॉक में, उसी तरह यस में, येट में, यील्ड में क्या है, फर्स्ट लेटर है। दूसरा है व्हेन W एंड Y आर द मिडिल और लास्ट लेटर ऑफ अ वर्ड दैट इज कॉल्ड वॉवल, कि जब किसी भी वर्ड के बीच में या किसी भी वर्ड के अंत में W और Y का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, वॉवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉवल। व्हेन W एंड Y आर द मिडिल और लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड दैट इज कॉल्ड वॉवल, कि जब किसी भी वर्ड का मिडिल लेटर अर्थात बीच का अक्षर या लास्ट का अक्षर W और Y होता है तो उसे हम वॉवल बोलते हैं। जैसे सौरो में W हो गया, बोरो, स्लो, स्काई, फ्लाई, etc. ओके गाइज, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ही मत कीजिए।